इस सरकार का, कम से कम नीतीश जी की सरकार का मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ। तो दो तीन पीढ़ियां बिहार की बिल्कुल बर्बाद हो गई, शिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले पीछे ही रहे। समाज के लिए बहुत चिंता की वजह होनी चाहिए क्योंकि ये गरीब राज्य है बिहार। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर शिक्षा नीति को लेकर तीखा प्रकरण किया है। मुझे जो बात देखने को मिली, जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा में, वो समता मूलक शिक्षा की व्यवस्था बनाने के चक्कर में, मतलब हर गांव में हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए, संख्या बढ़ा दी जाए, ज्यादा लोगों को इनरोल करके दिखा दिया जाए कि सारे लोग शिक्षित हो गए, उस चक्कर में बिहार सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, टीचर है और विद्यार्थी है, तीन पहलू है शिक्षा के, ये तीनों चीज का समायोजन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका समायोजन नहीं है, गुणवत्ता पर बाद में आएंगे। जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है समुचित संख्या में, जहां समुचित संख्या में टीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है। और विद्यालयों की स्थिति यही है जो आप लोग सब लोग जानते हैं, मोटे तौर पर लोग उसको खिचड़ी बांटने का सेंटर या फिर पोशाक और कुछ अदर बेनिफिट जो सरकार दे रही है उन बेनिफिट्स को कलेक्ट करने का सेंटर मानते हैं। एक जो शैक्षणिक माहौल होता है, एक जो परिवेश होता है कि भाई ये विद्यालय है यहाँ पढ़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और यहाँ पर भी जैसे किसानों और मजदूरों की मैंने बात बताई, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग परेशान है, और पूरा समाज जो है वो शिक्षकों को कह रहा है कि भाई शिक्षकों को इतना पैसा मिल रहा है फिर भी हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप शिक्षकों से जाकर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा आंदोलनरत वही है कि भैया हम इतना पैसा, हमको 30,000 रुपए मिल रहा है या 35 मिल रहा है, हमको ये बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना इस सरकार का, कम से कम नीतीश जी की सरकार का मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ। इसलिए कि देखिए, अगर सड़क नहीं बनी, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाएगी, लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था 15-20 साल 25 साल 30 साल खराब हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो दो तीन पीढ़ियां बिहार की बिल्कुल बर्बाद हो गई। जो व्यक्ति, जो बच्चा स्कूल से पढ़ के निकल गया, कॉलेज से पढ़ के निकल गया और उसने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ डिग्री ली, अब वो जीवन भर शिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले पीछे ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी मजदूरी करते हुए ही बीतेगी, अब उसको सुधारा नहीं। इसलिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के समाज के लिए बहुत चिंता की वजह होनी चाहिए क्योंकि ये गरीब राज्य है बिहार। जैसा मैंने आपको बताया, 60% लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं, पूंजी और व्यापार यहाँ है नहीं। तो शिक्षा ही एक जरिया था जिससे, जिसके जरिए आप गरीबी से निकल सकते थे। जब वो व्यवस्था खत्म हो गई तो गरीब आदमी के गरीबी के कुचक्र से निकलने का एक बड़ा माध्यम खत्म हो गया।